हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ऑनलाइन आरक्षण पोर्टल के बारे में। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने हाल ही में अपने पोर्टल को अपग्रेड कर दिया गया है। अभी तक तो जो पोर्टल चल रहा था कॉर्बेट का, वो चल रहा था 2.0 और अभी जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो चल रहा है वर्जन 3.0। ये जो आप पोर्टल देख रहे हैं अभी मेरे डिस्प्ले पे, ये है कॉर्बेट का नया पोर्टल और यह है इसका होम पेज। अभी मैंने खोली है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। जी हाँ, क्योंकि यह इंडिया का यानी एशिया का पहला नेशनल पार्क है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कर दी गई हैं। अभी जंगल सफारी ओपन है जिसमें अभी दो जोन हमारे खुले हुए हैं, ढेला और झिटना की बुकिंग अभी स्टार्ट है क्योंकि ये दोनों जोन पूरे सीजन भर खुलते हैं। और जो कैंटर है ढिकाला जोन, जो कि फेमस है कॉर्बेट के लिए, तो इसकी बुकिंग 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और आज है 5 अक्टूबर। नाइट स्टे के लिए देखते हैं तो नाइट स्टे अभी ओपन होने वाला है 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर को जो बुकिंग खुलेगी नाइट स्टे के लिए, वो खुलेगी 15 नवंबर की। तो ये भी देखना होगा कितने दिन की बुकिंग खोलते हैं इस बार। तो यहाँ पर मेंशन है कि कौन कौन से जोन कब खुलेंगे, तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस है अभी वाली वेबसाइट का। इसमें फ्लोरा और फौना के बारे में दिखाया गया है और ये है जिम कॉर्बेट साहब। तो अभी देखते हैं बुकिंग को, क्योंकि मेन काम है विजिटर का बुकिंग करना। तो जहाँ तक मैंने इस पोर्टल को समझा है, मुझे लगा है कि पोर्टल इजी टू अवे है, क्योंकि जो पहला वाला पोर्टल था उसमें जो बुकिंग होती थी उसमें थोड़ा टाइम लगता था। इस वाले पोर्टल में बुकिंग जल्दी होती है क्योंकि इसमें लॉगिन आईडी नहीं है, आपको लॉगिन नहीं करना है। अभी आपको सीधे अपने विजिटर के नाम डालना है। तो अभी देखते हैं बुक नाउ, हम करते हैं टिकट और मेरे सामने एबिलिटी की विंडो खुल के आ चुकी है। डेट के ऊपर आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो जिस डेट में जितनी गाड़ियां खाली हैं वो एबिलिटी शो कर रहा है कि इस डेट में इतनी गाड़ियां खाली हैं। तो अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं झिरना जोन, क्योंकि अभी सिर्फ दो ही जोन खुले हैं, ढेला और झिरना। अडल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं एक। चिल्ड्रन वाले ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि जो आपके साथ बच्चे आएंगे 5 से लेकर 12 साल के, आपको सिलेक्ट करना है, यानी सिस्टम को बताना है कि मेरे साथ इतने बच्चे आ रहे हैं। लेकिन सिस्टम आपसे उनकी डिटेल नहीं पूछेगा, यानी उनके नाम और एज आपसे नहीं मांगी जाएगी। सिर्फ आपको सिस्टम को बताना है कि हाँ मेरे साथ इतने बच्चे आ रहे हैं। तो अभी मेरे साथ कोई चिल्ड्रन नहीं है तो मैं 0 कर लेता हूँ। और कैमरे में आपको ध्यान देना है कि आप अपने साथ अगर कैमरा लाते हैं तो जितने भी आप कैमरे अपने साथ कैरी करते हैं तो आप उसके हिसाब से आप फीस कटवाइए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको एट अ टाइम गेट पर एंट्री कटवानी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन से ही कैमरे का जो फीस शुल्क है वो दे के आएँ। तो अभी मैं विजिट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 14 अक्टूबर। तो आपके सामने दो चीज़ खुल के आती है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो मॉर्निंग में कोई भी परमिट खाली नहीं है, 0 परमिट शो हो रहा है, लेकिन इवनिंग में 19 परमिट खाली हैं। तो इवनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट। फिर हमारे सामने नाम वाला कॉलम खुल के आता है, तो यहाँ पर हमें नाम मेंशन करना है। नेम और आईडी प्रूफ में आपको सही आईडी प्रूफ मेंशन करने हैं, गलत आईडी मेंशन करने पर आपको एंट्री टाइम पे गेट पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार की गलती ना करें, सही आईडी यानी वैलिड आईडी ही मेंशन करें। तो यहाँ पे है कंट्री, ऑल पे रहेगा तो आपको सारी कंट्रीज होंगी। आपको अदर किसी फॉरनर की बुकिंग करनी है या फॉरनर आपके क्लाइंट हैं या गेस्ट हैं, तो जिस भी कंट्री से कोई भी विजिटर होंगे उनका आप अल्फाबेटिक सेलेक्ट करेंगे तो वो उस कंट्री के नाम आपको सिर्फ सोंगे, जैसे ओमान एक और ऊ से। तो अभी हमारे साथ कोई भी फॉरनर कस्टमर नहीं है तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। हम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंडिया सेट रहता है। आईडी प्रूफ में जो भी आप आईडी प्रूफ डालेंगे आपको सही आईडी प्रूफ मेंशन करना है। तो मैंने कर लिया है पैन कार्ड सेलेक्ट। आपको फिर बता दूं कि आपको आईडी कार्ड में सही आईडी प्रूफ भरना है,
वैसे तो सिस्टम गलत आईडी प्रूफ नहीं लेता है, अगर इन केस फिर भी आपने ऐसा कुछ केस बना के डाला है कि सिस्टम ले ले, तो एट अ टाइम गेट पे चेक होने पर या तो आपको एंट्री से रोका जा सकता है या फिर आपके परमिट को ऑनलाइन से ही कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से गलती ना करें। अभी कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए अभी चार्ज मेरे सामने आ गए हैं सफारी फ़ी। पहले जो सफारी फ़ी होती थी 1% की 100 रुपीज़ होती थी, पर पर्सन की एंट्री 100 रुपये होती थी। अभी गवर्नमेंट ने एंट्री फ़ी और जो रेस्ट हाउस की फ़ी है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अभी जो एंट्री फ़ी है वो 500 रुपये कर दी गई है पर पर्सन की इंडियन की, और 1000 रुपये कर दी गई है फॉरनर की। तो देखते हैं गाइड फीस, 800 रुपये गाइड फीस है, और जिप्सी का है 2800 रुपये। सिर्फ बिजरानी ऐसा जोन है जहाँ पे 2500 रुपये आपको गाड़ी का देना होता है, क्योंकि वो रामनगर के नियरेस्ट है। तो आई अग्री करते हैं जो भी टर्म एंड कंडीशन होंगी। फिर करते हैं नेक्स्ट। आपको यहाँ पे एक वैलिड अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। ओटीपी डालने के बाद आपका वैलिडेशन होगा एंड आप पे नाउ करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर आप सिस्टम से बुकिंग करेंगे तो आपके सामने QR कोड खुल के आएगा, और अगर आप मोबाइल से बुकिंग करते हैं तो आपके सामने एक मोबाइल वाला इंटरफेस नंबर आएगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर देना है और डायरेक्टली आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो बाकी का जो सिस्टम है वो समझते हैं गेट पे जाके। तो अभी चलते हैं गेट की ओर। तो फ्रेंड्स हम लोग गेट पर आ चुके हैं और हमारी पूरी टीम आई हुई है गेट पे, क्योंकि पोर्टल अभी भी लॉन्च हुआ है तो चेक कर रहे हैं कि कैसा ये वर्क करेगा। तो देखिए गेट कीपर के हाथ में एक QR कोड स्कैनर मशीन है, जो भी विजिटर आएंगे उनके परमिट को स्कैन किया जाएगा। जो भी अपने नाम ऑनलाइन से फीड किए हैं वो हमारे जो QR कोड मशीन है उसमें हमें शो हो जाएंगे। आपके QR कोड के थ्रू वो डिटेल हमारे मशीन में ली जाएगी। जो भी आपके साथ गाइड जाएंगे उनके भी ID कार्ड स्कैन होंगे, और जो भी आपके साथ गाड़ी जाएगी उस गाड़ी का भी QR कोड स्कैन होगा। तो पूरा एक डाटा समरी में बन के आ जाएगा। आपको ऑनलाइन से ध्यान देना है कि आपको सही ID कार्ड मेंशन करना है, एट अ टाइम नहीं तो गेट पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंट्री में। तो ये देखिए इस तरह से परमिट जनरेट होके आ रहा है। आप चाहे तो हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं परमिट की, अदरवाइज मोबाइल पे भी आप दिखा सकते हैं। हमें सिर्फ QR कोड चाहिए उसको स्कैन करने के लिए। तो कॉर्बेट ने पेपरलेस वर्क की तरफ एक मुहिम चलाई है, बहुत बढ़िया मुहिम है ये कॉर्बेट की अपनी, जिसमें काफ़ी सारी सुविधा होंगी आने वाले समय में। ये काम पहले मैनुअली होता था, जो काम अभी आप QR कोड मशीन के थ्रू स्कैन होके हो रहा है। ये देखिए एक और गाड़ी आई है, इसको भी स्कैन कर लिया है गेट कीपर ने। तो जो भी ऑनलाइन से आपने डिटेल भरी थी वो उनकी QR कोड मशीन में शो हो रही है। तो ये ID कार्ड आपके चेक करेंगे गेट पे। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, तो इजी टू अवे की ओर कहने के कॉर्बेट जा रहा है। दूसरे से ये फायदा भी है कि पेपरलेस वर्क हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।